नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज का एपिसोड काफ़ी ठीक ठाक रहा, जिसमें कुछ ऐसा दिखा जो पहले काफ़ी टाइम से नहीं देखा था, यानी कि समर का कमबैक हो गया। पाखी और छोटी ने आंदोलन ही कर दिया ऐसा लग रहा है। तो देखते हैं आगे कैसे ये जाता है धारावाहिक, मगर फिलहाल बारी है आपके ऑडियोस की, आपने क्या कहा है आज की कड़ी के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं ये सिलसिला, मगर पहले दो चीजें। पहला, नंबर शेयर करना जिसपे आपको ऑडियो या वीडियो भेजना है, और ये नंबर है दोस्तों 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, और ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे कॉल्स अटेंड नहीं होती है। कृपया कॉल करके अपना टाइम मत बर्बाद कीजिए। और दूसरी बात कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच। चलिए शुरू करते हैं आज का सिलसिला और सुनते हैं पहला ऑडियो। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, मैं कुमुदिनी त्रिपाठी। हम कहना चाहेंगे कि कल कोई बहन कह रही थी कि प्रॉपर्टी के लिए क्या ऐसी भाभी करती हैं, तो हम ये कहना चाहेंगे कि सीरियल की बात छोड़ दीजिए, रियल ज़िंदगी में ऐसे सगे संबंधी होते हैं जो प्रॉपर्टी के लिए किसी भी हद तक गिर जाते हैं, फिर चाहे वो रिश्ता बहन हो, भाभी हो या कोई और रिश्ता। हमने रिश्तों के मायने बदलते देखे हैं पैसों की खातिर बहुत करीब से, यहाँ तक कि पैसे के लिए पति तक पत्नियों पर बहुत अत्याचार करते हैं, मार मार कर पैसा छीन लेते हैं। और आज का सीरियल देखा, दिल को बहुत ठंडक मिली, काफ़ी चीज़ें आज अच्छी हुई हैं। छोटी कह रही है कि आप मम्मी से माफ़ी मांग लेते तो वो माफ़ कर देती। चलो कुछ तो अच्छा किया आज छोटी ने, सच्चाई बताई। अनुज पागल से ज़्यादा तो छोटी अनु समझदार है। वो भी समझा रही है कि मम्मी पापा साथ रहें, पर अनुज को कुछ समझ आने वाला नहीं है, हो सकता है आगे समझ आ जाए। और कांता बहन सही समझा रही है अनुपमा को कि बार बार तुम टूटो हम ये नहीं चाहते हैं। और एक बात कहना चाहेंगे कि अनुपमा का अपना आत्मसम्मान है कुछ कि नहीं, कब तक अनुज अनुज चिल्लाती फिरेगी। अरे भले प्यार मन में रखो, पर अब अनुपमा को अनुज नाम की माला नहीं जपनी चाहिए। बस अब बहुत हो गया अनुपमा, अब अपने पे ध्यान दो, अनुज अनुज मत करो। काव्या का कटाक्ष वनराज पर बहुत अच्छा रहा, वनराज काव्या को ही डिजर्व करता है, जो जवाब दे लाजवाब। जो मम्मा बॉय होते हैं वो ज़्यादातर अपनी माँ से दूर हो जाते हैं। समर कितना बकवास इंसान है, शादी अभी हुई नहीं अलग रहने की सोचने लगा। चलो आज एक बात तो सही बोला समर कि अनुज अगर मेरी मम्मी के कुछ नहीं है तो मेरे भी कुछ नहीं लगते। चलो आज समर का रूप माँ के लिए बहुत अच्छा लगा, अब बहुत मज़ा आएगा। समर डिम्पी पर लड़ाई शुरू हो गई, डिम्पी अनुज के सहारे कपाड़िया अंपायर में घुसने की कोशिश कर रही है, अब इन दोनों की शादी नहीं होगी, बहुत अच्छा है। वनराज कितना बेशर्म इंसान है, बिना बुलाए चला आता है, कितनी कुटिल मुस्कान है वनराज की, हे भगवान, मुस्कुराता हुआ चला गया। बात तो वनराज से भी ज़्यादा बेशर्म औरत है, अनुपमा को बुलाने की सोच रही है, जैसे वो आ ही जाएगी। शाह हाउस रहने बा एक बात सही बोली कि डिम्पी समर की शादी टूट गई, अच्छा हुआ। और ये क्या बोल गई बा कि अनुज अनुपमा के झगड़े की तरह समर डिम्पी का झगड़ा कभी ख़त्म ना हो, अपने मन की बात बा ने बोल दी। और वहीं पर सब लोग बैठे सुनते रहे, बाबूजी एक शब्द नहीं बोले। अनुज कोई पागल वागल नहीं है, वो जानबूझकर अनुपमा को दुख दे रहा है। छोटी ने कहा कि पापा मम्मी को सॉरी बोल देंगे, तो माया की तो हवाइयाँ उड़ गईं। और अब तो क्या कहने, पाखी माया के सामने चेहरा देखने लायक था। पाखी की मुंबई जाने से सब खलनायक हैरान परेशान, आज बहुत मज़ा आ रहा है। अंकुश का रोल इस समय अच्छा लग रहा, वाह अंकुश वाह, अब कही शानदार बात बरखा से कि जिसका इंतज़ार हम सब लोगों को था, आज कम से कम बोला तो वो बरखा से। और काव्या का बा को करारा जवाब कि अनुपमा कभी भी वनराज के पास वापस नहीं जाएगी, सुनकर बा परेशान हो गई है। आज का सीरियल देखकर वाकई बहुत अच्छा लगा, अब कल देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद।
त्रिपाठी जी के ऑडियो से साफ झलक रहा है कि वो बहुत खुश हैं आज का एपिसोड देख के। बाकी आपने बात सही कही है कि सीरियल की नहीं, ये तो रियल लाइफ में भी ऐसा होता है, प्रॉपर्टी के लिए बहुत कुछ लोग कर जाते हैं। थैंक यू सो मच त्रिपाठी जी आपके ऑडियो के लिए। चलिए अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्कार अंजू जी, मैं मनीषा दोषी, मुझे आपका हंगरी स्पिरिट प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। आप ही के जरिए मैं अनुपमा सीरियल की अपडेट देख रही थी। बहुत महीनों से मैंने अनुपमा सीरियल देखना ही बंद कर दिया था क्योंकि मुझे अच्छी नहीं लग रही थी उसका, जिस तरफ जा रहा था झुका वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने बंद कर दिया था। लेकिन हाँ, आपने अपने एक प्रोग्राम में मेरी कहानी लोगों को सुनाई थी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज अनुपमा सीरियल अचानक से मेरे यूट्यूब चैनल पर चालू हो गई, मेरे गलती से मेरे से चालू हो गई। आज की अपडेट देख के दिल खुश हो गया। समर के अंदर का बेटा जाग गया, पाखी ने भी अनुज को सब कुछ बता दिया, छोटी अनु ने भी अनुज को सब कुछ बता दिया कि मम्मी की गलती नहीं है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी कहीं खोदा पहाड़ और निकली चुड़िया ना निकले तो अच्छा है। बाकी वनराज और लीलाबा का तो क्या कहना, बस वो तो सपने ही देख रहे हैं, बस अनुपमा इस घर में आएगी और इस घर में खुशियां आएंगी। अभी काव्या इतनी ज़्यादा बदल गई है, काव्या पहले वाले रूप में आ जाए तो ये दोनों अपने आप ठीक हो जाएंगे माँ बेटे। धन्यवाद अंजू जी। थैंक यू सो मच मनीषा दोषी जी हमारे जो वीडियोस हैं उनको पसंद करने के लिए। बाकी सही कहा है आपने, खुशी तो सबको हुई है, खास करके जो बात आपने कही है उसको लेके कि समर के अंदर का बेटा जाग गया। थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए, ऐसे ही अपने ऑडियोस भेजते रहा कीजिए, धन्यवाद। चलिए अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू जी, मैं वर्षा। आज के शो में देखा आपने भी अभी बताया कि दोनों बेटियां मैदान में उतर आई तो अच्छा लग रहा था, आज का शुरुआत अच्छी हुई तो। और छोटी ने अपनी सब बात बता दी अनुज को, तो अनुज का भी मन का जो भी था अनुपमा के लिए वो निकल गया, पर अब गिल्ट बाकी है। गिल्ट की वजह से वो शायद माफ़ी मांगने में टाइम लगाएगा, कैसे मांगेगा, पाखी आ तो गई है पर कैसे मांगेगा, बोल पाएगा अभी या नहीं अनुपमा फिर। और उसका मुझे लगता था कि अनुज गलत मतलब निकालेगा हमको लगता था, पर नहीं, अभी अनुपमा क्या मतलब निकालेगी, अनुपमा अनुज की चुप्पी का शायद अनुज ने अगर माफ़ी नहीं मांगी तो फिर और क्या सोचेगी वो मुझे नहीं समझ में आ रहा, वो भी हो सकता है। और अनुपमा तो जो बाद में जो अनुपमा के माँ ने बोला कि ये बार बार ऐसा नहीं होना चाहिए, कितने बार तू अपनी उम्मीद बढ़ाएगी और कितने बार टूटेगी, तो वो भी सही है। इस तौर पे इस गौर पे भी सोचने जैसी बात है कि एक बार, और आपने भी कहा एक बार अगर कोई चले जाए छोड़ के गुस्से में या ऐसे डिसीजन, ऐसा वक्त जिंदगी है तो बार होंगे ऐसे मौके, ऐसा दौर फिर से आएगा या फिर ऐसी परिस्थिति फिर से क्रिएट होगी, तो उस समय इस टाइप के अगर डिसीजन तुम तब भी यही करके जाओगे तो कैसे होगा, तो ये भी सोचने वाली बात है। ऐसा तो देखो अब अनुपमा क्या डिसीजन लेती, पर अनुपमा का जो भी डिसीजन होगा सही होगा। अनुपमा ने तो कभी भी गलत गुस्से में या उससे ऐसे डिसीजन नहीं लिए। हाँ, वो अब थोड़ा नाराज हो भी सकती है, उसका हक है। और अनुज को तो अनुपमा को मनाना ही चाहिए, अपने स्टाइल में बनाना चाहिए, उसको गिल्ट को भी अपने प्यार को अभी आगे रखना चाहिए गिल्ट से। और अभी देखो कैसे होता है, पाखी साथ में लेके आती है या फिर अब कैसे कौन सा ट्रैक लाते उसके लिए तो पता नहीं। और माया का भी मैं अभी कुछ नहीं कह सकती, माया फिर से कोई ना कोई, माया का जब भी एक्सपोज हो जाएगी, फिर भी उसके पास छोटी है तो छोटी के लिए कुछ ना कुछ तो वो ब्लैकमेल करेगी और कुछ तो नाटक करेगी वो,
थोड़ा सा वो भी लग रहा है। और हाँ, मुझे समर और डिब्बी के लिए बोलना था कि समर का अच्छा लगा कि उसको अपनी माँ के लिए है अभी भी। मुझे लग रहा था कि कैसे, हम सबको लग रहा था कि कैसे वो अपनी माँ के इतना गलत सुन सकता है, पर आज उसने अच्छा जवाब दिया, डिम्पी को करारा जवाब दिया, बहुत अच्छा लगा। और अनुज के लिए भी जो गुस्सा उसका दिखाया तो सही है, क्यों ना आए गुस्सा, जब वो अपने पिता को माफ नहीं कर सकता, उसको पिता बोल के पापा बोल के आवाज़ नहीं दे रहा था, तो वो अनुज को कैसे माफ़ कर सकता है। तो उसका गुस्सा साजिक है, बहुत सही है, मैं उसके लिए तो नहीं बोलूँगी और ज़्यादा। पर डिम्पी का कहना चाहती हूँ कि डिम्पी क्यों अनुज को जिम्मेदारी लेने के लिए कह रही है, क्यों क्यों चाहती है, उसे क्या करना है। समर जब उसे शादी करने को तैयार है, शादी करो ना उसको, डिम्पी को समर के अनुज की क्यों जरूरत पड़ रही है, ये समझ में नहीं आ रहा उसके पीछे क्या है। कुछ तो भी है, क्योंकि अब तक तो वो इस परिवार के साथ एडजस्टमेंट करने को तैयार नहीं थी, और हमेशा लड़ना झगड़ना ये वो सब, और अभी बोलती है कि मैं भी इस परिवार के साथ निभा लूँगी, मैं संभाल लूँगी। और उसको कब से ये पड़ी है कि लोग तो मुझे ही बोलेंगे, उसके पहले इतने जो बातें बोली तब नहीं लगा क्या कि लोगों को क्या लगेगा, बेटे को अलग कर दिया, तब भी तो समर ने डिसीजन लिया था ना कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, तो डिम्पी ने कहा था ना कि समर मैं तुम्हारे साथ हूँ, फिर आज क्यों ऐसा लगने लगा उसे, ये मुझे डिम्पी के अभी मन में का समझ में नहीं आ रहा। और वनराज की तो अच्छी बैंड बजेगी बजेगी, काव्या बजाएगी, बजा भी रही और बजाएगी भी, और बाको भी तो अच्छा मिलना ही चाहिए सबक, बहुत गलत सपने देख रही है कि अनुज को अनुपमा को फिर से लाने के, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बाबा जी का टुल्लू उसको नहीं होने वाला उसके साथ कुछ भी ऐसा। और मुझे अनुपमा का आज का वो गुस्से में जो बोलती है वनराज चले जाने के बाद, वनराज को भगाने के बाद, तब जो बोलती है कि गुस्से में कि ये लोन ले लो ये वगैरह, जो उसके जो गुस्से के डायलॉग, वो मुझे पहले वाली अनुपमा लगी, बहुत अच्छा लगता जब वो गुस्से में ऐसा चिढ़ जाती तो ऐसा बोलती है, तो अच्छा लग रहा था, थोड़ा हंसी आई और उसकी बात सुन के। पर हम ये बात इसको ये सॉन्ग को बहुत मिस कर रहे हैं, जो बैकग्राउंड म्यूजिक बजता था, ओ अनुपमा तू मेरा दिल तू मेरी जा, वो प्लीज दिखाना चाहिए फिर से एक बार, कर देना चाहिए अनुपमा को माफ, अनुपमा ने अनुज को माफ, क्योंकि इतना भी जो किया बहुत गलत किया, नहीं करना चाहिए, वो सबको किसी को भी पसंद नहीं आया, एक औरत के साथ कोई ऐसा करे तो, और वो भी बहुत अच्छी अनुपमा है उसके लिए, पर अनुज भी बहुत अच्छा था, उसने भी बहुत अच्छा किया था, उसने भी बहुत अनुपमा को बहुत प्यार दिया, बस वही प्यार के लिए एक बार फिर एक मौका उसे मिलना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और मिला दो इन लोगों को, दोनों को, तो अच्छा ही लगेगा। और अंकुश के बारे में भी, अंकुश ने तो बहुत अच्छा पछाड़ा बरखा को, बहुत अच्छा किया, और जो वो बोल रहा है कि एक बार मेरा भाई आ जाए तो मैं तुम्हें खुद धक्का मार के निकालूंगा, तो अरे धक्का नहीं, सामान भी बाहर फेंक के निकालना चाहिए, जैसे उसने किया उसको उसके साथ वैसे ही करना चाहिए, वो उसी लायक है, वो डिजर्व इसी बात में होना चाहिए उसके साथ, तो तभी मजा आएगा, तभी वो अनुपमा का साथ दूसरों के साथ किया वो निकलेगा बाहर। वो मुझे अंकुश भी आज बहुत अच्छा लगा, कल तक थोड़ा डाउट था, इसलिए भी था कि जब अच्छे लोग बुरे बन रहे तो फिर अंकुश का क्लियर क्लियर नहीं लगा था, तो मुझे अंकुश के लिए थोड़ा डाउट था, पर आज वो भी सही, अच्छा लगना, अच्छा लग रहा उसका भी सही लग रहा है, बस अब अच्छा हो सब सीरियल में, सब अच्छा ही देखना चाहते हैं। थैंक यू अंजू जी। वर्षा जी सब कुछ फिर से दिखाई देगा, क्योंकि अब लग रहा है ऐसे कि ऑन ट्रैक हो रहा है सब कुछ, समर वापस आ गया है, अनुपमा अनुज भी मिल रहे हैं, अब अनुज के सामने क्लैरिटी हो गई है। आपने भी बहुत कुछ कहा है अपने ऑडियो में, बहुत सारी बारीकियों को आपने चेक किया है, तो थैंक यू सो मच वर्षा आपके ऑडियो के लिए, ऐसे ही बनी रही है हमारे चैनल के साथ, थैंक यू सो मच। चलिए अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो मैम, आज मैं पंजाबी से बोलूँगी, हिंदी नहीं बोलनी। हेलो मैम, सत श्री अकाल, मैं पंजाब से सुखपाल कौर।
मैं आज का एपिसोड देखा पर घर में घर दे विच मेहमान आ गए थी इस करके मैं छेती नहीं भेज सकी थोनू मैसेज सॉरी। तो अज मैं बहुत खुश हूँ। आज तो पार्टी भी चली गई, छोटी अनु ने भी बता दिया आपके पापा को, पर अनुपमा के पास बनराज आया तो बहुत बुरा लगा। उसकी तो बातें ही सुन के ना इतना गुस्सा आंदा ना मैनू, बहुत ज़्यादा गुस्सा आंदा मैनू। क्यों? क्योंकि बात है गल यहो जी करता कि वो गुस्सा ही अगले उन्होंने देख के गुस्सा आने लग पैंदा। मैनू तो पहली गल सारे लोगों ही आंदा उन्होंने देख के, बाँ नू देख के, फिर वो जिहड़ी एक डिंपी आ उन्होंने देख के, फिर वर्खा माया तो बहुत अधिक भी उन्होंने नाल ही रलिया वै पाकी दा हसबेंड, पर वेरी गुड पाकी। छोटी अनु भी ने भी सब कुछ बता दिया। उसने तो उन्हें तो यही सोचा होगा ना कि मैं अनुज को भेज दिनी हाँ वो बेटी दे पास, तो वो छोटी सुती पई आ तो देख के मत्था चमके तो वापस आ जूगा। वो पानी का गिलास भरन लग पी आ, तो ऐ नहीं पता कि सारे हुण पटाके कट्ठे बहनगे तेरे थोड़े दोनों ते तिना ते। वो भी नाराज भी अनुपमा नूं बहुत दुख दिंदा, बहुत ज्यादा गल्लां करदा कि मेरी घर वाली कौन ये बाणी जाऊगी हुण, है ना पंजाबी दे विच तां घर वाली कहिंदे ना। सुखपाल जी, बाकी सब बातें तो ठीक है, अगर आप पंजाबी में बोलेंगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे पंजाबी आती है और घरवाली पंजाबी में जो कहते हैं वो वाइफ ही होती है इंग्लिश में, बिल्कुल सही है। मगर एक चीज़ आपको करनी है कि वॉल्यूम थोड़ा आप करके भेजना है, और आपकी खुशी आपके ऑडियो से झलक रही है। सुखपाल जी, थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए, वॉल्यूम अप करके अगला ऑडियो आपको ज़रूर भेजना है। चलिए नेक्स्ट ऑडियो सुनते हैं। गुड आफ्टरनून अंजू मैम, महिमा गोयल, सादर प्रणाम। मैं कहना चाह रही हूँ आज समर का ट्रैक थोड़ा अच्छा लगा, डिम्पी को डांटा हूँ कि मेरी मम्मी के बारे में बहुत ज़्यादा तुम बोल रही हो, अब नहीं अब बस नहीं। उस चिड़ के बोल दी कि शादी करना तो करो वरना देखना पड़ेगा। ऐसी लड़कियों को कभी भी अपनाना ही नहीं चाहिए जो धमकियाँ देती हैं। प्लस वनराज को शर्म नहीं आ रही है, बार बार अनुपमा के पास पहुंच जाते हैं। बाकी को बस अब पापा को भी समझाना चाहिए कि पापा आपको मना करने से सुनते क्यों नहीं आप, उनका पर्सनल मामला है, उन लोगों के बीच में जाना कुछ सही नहीं है। काश वहाँ गई है वो, पहले सॉर्ट आउट वहाँ करके आ जाए, अनुज को यहाँ लेके आ जाए, सबसे बड़ी बात होगी। और तीसरा चीज, बरखा मैडम का तो बात ही अलग है, वो बरसती रहती है, जब देखो बरसने का काम है उन्हें। डर भी रही है कि कहीं अनुज और अनुपमा आ ना जाए, जब इतना ही डर था तो गलत क्यों कर रही है, नहीं करना चाहिए था, सही करना चाहिए था कि मेरी छोटी देवरानी है जो मेरे को इतना मानती है, कभी भी मुझे निकालती नहीं है घर से, इतनी बार बोल दी, लेकिन लोग दोनों जन इतने बड़े दिल वाले लोग हैं कि निकालना तो दूर की बात है, एक्सेप्ट करके रखे हैं भैया, भाभी बना के रखे हैं, अपने घर में रखे हैं। चाचा के बेटे और बेटी का, बेटे और बहू का क्या काम उनके घर में, लेकिन तब भी उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि भाई है भाभी है। तो इस चीज़ का फ़ायदा सही तरह से उठाते तो अच्छा था, लेकिन उन्होंने गलती तरह से उठाई। और माया कुछ ना कुछ चाल रचेगी, अनुज को अब बात करना चाहिए, जब पाखी सामने है तो डर क्या जिसका, पाखी माया को भी फेल कर देगी। बस मैं चाहती हूँ दोनों बेटियाँ साथ दें अपनी प्यारी सी माँ का। अब उम्मीद तो मैं नहीं करूँगी, उम्मीद मैं नहीं करूँगी कि जुड़े या टूटे, क्योंकि बार बार उम्मीद जोड़ना फिर दिल टूट जाता है, फिर जोड़ना फिर दिल टूट जाता है, इसलिए ऐसा करना ही नहीं है। सीरियल की तरह देखूँगी, वो अच्छा है, क्योंकि कल कल स्पेशली मेरे हस्बैंड ने कहा कि क्या बात है तुम आजकल अनुपमा देखती थी, अनुपमा नहीं देख रही है, देखो मैं भी मेरा मन नहीं है, वो नींद आ रही है, तो उन्होंने कहा कि देखो तो सही, फिर देखे कि तिगड़म जल रहा है और ये खुद रात में लगा के देख रहे हैं। तो मैं बोली, जब मैं टॉयलेट करने उठी तो मैं बोली ये क्या आप क्या लगा के रखे हो, आप कब से अनुपमा देखने लग गए,
तब बोलते हैं बस मेरा मन किया देख रहे थे। मतलब कहीं तुम जो हफ्ता भर से टारगेट कर रही हो नहीं देख रही हो, तो मैं सोचा क्या बात है, देखना चाहिए। तो देखे तो ये बोलते हैं कि अच्छा है अब तुमको समझ में आ रहा है क्या होता है, सीरियल दुनिया सीरियल होता है। देखा आज नेगेटिव वर्ड्स नहीं देखी तो पूरा दिन कितना अच्छा गया। हम लोग हाँ, क्योंकि कोई कोई चीज़ होता है ना मैम कि सुबह से जो नेगेटिव जो देख लेते हैं ना पूरा दिन वैसा ही चला जाता है, और कुछ अच्छा चीज़ देखते हैं जैसे भगवान का भजन और सब चीज़ सुनते हैं तो पूरा दिन ऐसे लगता है ना कि कहीं अच्छी जगह पे काम चल रहा है, पूरा दिन काम में मन लगा रहता है। तो यही चीज़ मैंने किया था तो बहुत अच्छा लगा। अंजू मैम आई एम वेरी हैप्पी, आपसे बात करके सच में बहुत अच्छा लगता है, और जो आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म दे रखी है ना, मैं तो अपना घर का बात भी सारा कर जाती हूँ, इसलिए प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। मैं वैसे ही हूँ। आज देखती हूँ कितनी सहेलियों का कल मैंने क्वेश्चन किया था कि मैं सही हूँ कि गलत, आज पता चलेगा कि मेरी बात पर कितने जन क्या हाँ किए हैं या ना किए हैं। आई लव यू मैम। देखिए महिमा जी, आपने अपनी ही बात में कह दिया कि आपके हस्बैंड ने कहा कि अनुपमा नहीं देख रही, इसलिए ये क्लियर होता है कि वो कितनी केयर करते हैं आपकी, क्योंकि आपके जो डेली रूटीन है उस पर उनका ध्यान है कि आज महिमा अनुपमा क्यों नहीं देख रही। तो ये अनुपमा सीरियल की ही देन है अगर इसकी अच्छी बात को हम पकड़े तो। बाकी अब अच्छा दिखने लग गया है सीरियल में, आगे भी अच्छा ही देखने को मिलेगा ये मान के हम लोग चलते हैं। बिल्कुल भी आपने जैसा कहा है ना कि धारावाहिक को धारावाहिक की तरह देखूंगी, वैसे ही देखिए, और ऐसे ही अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए मैं हूं ना, मुझे भेजिए अपनी बातें। तो थैंक यू सो मच, और सादर प्रणाम आपको भी, थैंक यू सो मच। चलिए अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्कार अंजू मैम, आज तो मजा ही आ गया, बस मन हो रहा है कि आऊं और आपके गले मिल जाऊं। खैर मैं बहुत खुश हो गई, आज वन रात के साथ जो भी होगा वो ही होना चाहिए, अनुपमा ये अच्छा करेगी। छोटी अनु और पाखी ने तो पासा ही पलट दिया। मेकर्स लगता है सबकी सुन सुन कर कुछ अच्छा करने के लिए सोच रहे हैं। ऐसा लगता है तपती धरती पर बारिश की पहली फुहार पड़ गई हो। आज ऐसा ही लगा, ज़्यादा नहीं बोलूँगी आज, बस मज़ा आ गया। उम्मीद है आगे और अच्छा हो। नमस्कार। सही कहा आपने, यीशु की धरती पे जैसे बारिश की पहली फुहार पड़ गई हो, बरखा की नहीं भाई, बारिश सही है। तो आपकी खुशी देख के सुन के बहुत मज़ा आया लता जी। सही में ये कहते हैं ना कि आपका मन किया गले लगने का, तो समझिए कि आपको हमने गले लगा लिया। तो थैंक यू सो मच आपके प्यार और आपके ऑडियो के लिए। चलिए ये थे आज के ऑडियोज़, आपने भेजे हमने सुनाए, कैसे लगे आप सबको और उनको भी जिन्होंने अभी तक ऑडियोज नहीं भेजे हैं। अगर मन है तो नंबर फिर से मैं बता रही हूँ, नोट कर लीजिए, नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का, और देखते रहिए हमारा चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.